तो दोस्तों सारी सिम इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं ओनरशिप रिव्यू दूंगा हुंडई ग्रैंड आई 10 का। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है और मैं आपको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बताऊंगा। मेरे को इसको यूज़ करते लगभग 1.5 साल हो गया, लगभग 1 साल 4 महीने के आसपास हो गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इसके टिप्स बता देता हूँ। तो इसका पहला नेगेटिव है वो इसकी ग्रिल। वो ग्रिल कोई भी काम की नहीं है, इसमें सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है और इसमें मिट्टी बहुत ही ज़्यादा लगती है। और भाई ग्रिल के पास में ये डिज़ाइन भी देख सकते हैं, अभी देखने में ठीक लग रहा होगा लेकिन इसकी सफाई करने में बहुत दिक्कत होती है, सफाई होती नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी हुंडई को सोचनी चाहिए थी। और नेक्स्ट बात बताऊँ इसका नेगेटिव दूसरा, तो इसकी हेडलाइट्स जो इसका थ्रो है ना वो इतना कुछ खास नहीं है। हुंडई को थोड़ा सोचना चाहिए था, अभी अपने 6-6.5 लाख की कार ले रहे हैं तो उसमें हेडलाइट्स तो थोड़ी ढंग की दे दें। हेडलाइट्स के अंदर बहुत दिक्कत है, हेडलाइट खास नहीं है। इसकी DRL ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। DRLs दिन में दिखाई देती है लेकिन DRLs यूजलेस है। और अगर मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट की और बात बताऊं तो इसका एंटीना, ये भाई शार्क फिन एंटीना देना चाहिए था, इन्होंने शार्क फिन नहीं दिया। अब ये एंटीना जब कवर लगाते हैं तो वैसे हो जाते हैं बिल्कुल, तो भाई वो इसके अंदर दिक्कत है, ये बहुत दिक्कत देता है। और भाई इसका जो अगला नेगेटिव है वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है, नीचे से लगती बहुत है। तो उसकी मैं फ़ोटो एक डाल देता हूँ, जो ये नीचे से जब डेथ होती है तब इसके अंदर क्या क्या नुकसान होता है। और भाई इसका अगला जो नेगेटिव है वो इसका इंजन है। इसका इंजन इतना पिकअप नहीं दिखाता, पहले दिखाता था जब इसको नई नई लाए थे, उसके बाद ना इसके अंदर सर्विस कराने भी दिक्कत आ गई, उसकी माइलेज की भी दिक्कत आ गई और पिकअप की दिक्कत आ गई। तो भाई मैंने ना सर्विस सेंटर वालों को दिखाया था, तब उन्होंने इसका कोई हल नहीं किया। तो मैंने सर्विस कराई थी, अब तीसरी सर्विस कराई थी, उस टाइम दिखाया था लेकिन इसका हल नहीं किया। और वो सर्विस सेंटर, एक सर्विस सेंटर की दिक्कत बता सकता हूँ, सभी के लिए नहीं कह सकता। तो भाई मैं इसकी सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसकी सर्विस बढ़िया नहीं है, हुंडई की सर्विस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा गौर करना चाहिए हुंडई को। और भाई इसका जो नेक्स्ट नेगेटिव है वो इसका स्टेयरिंग व्हील है, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। स्टेयरिंग व्हील पहले से ना हैवी हो गया है, तो पहले जितनी पावर दिखाता था ना उतनी दिखाता नहीं है, हार्ड हो गया है। पहले बिल्कुल आसानी से इसको मोड़ सकते थे लेकिन इसमें अब दिक्कत है। तो ये भी मैंने उनको प्रॉब्लम बताई थी लेकिन उन्होंने इसका कोई भी हल नहीं किया, और उन्होंने यही कहा भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, स्टेयरिंग इतना हार्ड होता ही है। और भाई जो अगला इसका नेगेटिव है वो यहाँ पर आर्म रेस्ट जरूर देना चाहिए था हुंडई को, जब इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आर्म रेस्ट आ ही जाता है, तो यहाँ पर आर्म रेस्ट ज़रूर देना चाहिए था। अब जब लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं उस टाइम यहाँ पे आदर दर्द होने लग जाता है, तो आर्म रेस्ट देना चाहिए था इतने बजट के अंदर। वैसे आफ्टर मार्केट भी इसके अंदर ऑप्शन है लेकिन जब तक कंपनी में ऑप्शन नहीं आएगा तब तक मैं नहीं लगवाऊंगा। तो भाई जो अगला इसका नेगेटिव है वो भी पेट्रोल इंजन होने के बावजूद है ना क्लच थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, इतनी स्मूथ नहीं है, ये क्लच हार्ड लग रही है और इससे ना थोड़ी आवाज़ आती है जो अपने पैर को ही फील होती है। वैसे आवाज़ इतनी कोई ख़ास नहीं आती लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही है इसके अंदर, तो भाई इसका भी उन्होंने कोई भी हल नहीं किया। और इसके पेट्रोल इंजन के अंदर पिकअप तो भाई बिल्कुल भी नहीं है, पिकअप ये बिल्कुल नहीं दिखाता। तो भाई अब इसके पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं, तो भाई इसका पहला पॉजिटिव ये भी इसका साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया है। और भाई तीसरे इसके पॉजिटिव की बात करूँ तो इसके अंदर रियर एसी वेंट्स दिए हुए हैं, जिससे क्या होता है पीछे जो पैसेंजर बैठे होते हैं उनको गर्मियों के अंदर हेल्प होती है, ये देख सकते हैं आप रियर एसी वेंट। और भाई इसका जो अगला पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है ग्रैंड आई 10 नियोस से। अगर आप है ना इसको ऐसा बजा कर देखोगे और डोर ओपन और क्लोज करके देखोगे तब आपको फील होगी। फिर यहीं पे अगर कोई स्विफ्ट कार होती है, डिज़ायर होती है, तो उसका भी आप डोर खोल के देख सकते हो और इसका भी कंपेरिजन कर सकते हो। मैंने तो करके देख रखा है लेकिन आप भी कर सकते हो, बिल्ड क्वालिटी आपको फील होगी ज़रूर। तो भाई यही है इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।